एक गायब जीन की वजह से वैज्ञानिकों को मिला नया वेरिएंट। जानिए कैसी होती है ये वेरिएंट हंटिंग, क्या है पूरी बात जानते हैं। नवंबर 2021 की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के गाउंटेंग राज्य के कोरोना लैब में कुछ अनोखा देखने को मिला। यह एक्सपर्ट वायरस के जीन का पता नहीं लगा पा रहे थे। ये गायब जीन स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं जो इंसान की कोशिकाओं में रोगाणु डालते और फैलाते हैं। ठीक इसी समय उस इलाके में सिरदर्द थकान की शिकायत वाले मरीज की बाढ़ आ गई और उसके बाद 75 से ज़्यादा सैंपल लिए गए वहाँ के और उनकी सीक्वेंसिंग की गई और जांच पड़ताल के बाद एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है और इसका जीन इसीलिए पकड़ में नहीं आ रहा था क्योंकि वह म्यूटेंट हो चुका था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे नए वेरिएंट का नाम B11529 यानी ओमिक्रॉन रखा। 26 नवंबर 2021 को इसे चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया गया और उसके बाद ये 30 से भी ज़्यादा देशों में ये नया वेरिएंट पाया जा चुका है। अब हम आपको इस कोरोना के नए वेरिएंट की खोज के पीछे का विज्ञान आसान भाषा में समझाएंगे और उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। वेरिएंट हंटिंग यानी वायरस के नए वेरिएंट की खोज की प्रोसेस भी बहुत रोमांचक है। इसे जानने के लिए आपको पहले जीन, जीनोम और जीनोम सीक्वेंसिंग को समझना होगा। क्या होते हैं ये जीन्स? दुनिया के हर जीव की बनावट उसके जीन से ही तय होती है। कई बार आपको भी लोगों ने ये कहा होगा कि आपकी शक्ल आपके मम्मी या पापा से मिलती है। इसका मतलब आपके शरीर के कुछ जीन्स आपके मम्मी पापा से मेल खाते हैं। और जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम का मतलब किसी भी जीव का पूरा जेनेटिक कोड। इस धरती पर मौजूद हर एक जीव का जीनोम अलग अलग होता है और किसी भी दो जीव के कुछ जीन्स तो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन उनका जीनोम एक जैसा नहीं हो सकता। ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? किसी जीव के जीनोम की बनावट बेहद उलझी होती है और इसी की ही स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक उसे एक कोड में बदल देते हैं। इसी कोड का पता करने की तकनीक को जीनोम मैपिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। साधारण भाषा में कहे तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी जीव का बायोडेटा होता है। इससे उसके रंग रूप के साथ साथ व्यवहार का भी पता लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के जीनोम कोड तय है। दुनिया भर में वायरस के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग चलती रहती है। सीक्वेंसिंग के दौरान वेरिएंट के जीनोम के कोड में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं जिससे नए वेरिएंट का पता लगाया जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता कैसे लगा? साउथ अफ्रीका में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान वायरस में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। 4 नवंबर 2021 को लैंसेट की जूनियर साइंटिस्ट एलिशिया वर्मुलेन ने ओमिक्रॉन की शुरुआती जानकारी जुटाई और उन्हें सिंगल पॉजिटिव टेस्ट के दौरान कुछ गड़बड़ी दिखी। इसके बाद लैंसेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज के साथ मिलकर जब इनकी गहन जांच की तो इसमें एक जीन गायब दिखा। दरअसल कई म्यूटेशन की वजह से यह जीन पकड़ में नहीं आ रहा था। इसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की गई। इसके बाद साउथ अफ्रीका हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने इस वेरिएंट के बारे में पहली जानकारी 24 नवंबर 2021 को दी और उसकी आधिकारिक घोषणा की और इसके बाद 26 नवंबर 2021 को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। भारत में कहा होती है जीनोम सीक्वेंसिंग? भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2020 को कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक फोरम बनाया। इसका नाम इंसैकॉग यानी इंडियन सार्स कोव 2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स रखा गया। ये देश भर में मौजूद जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स के कंसोर्टियम की तरह काम करता है। इसके तहत देश भर में 10 लैबोरेटरीज काम करती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर इतनी चिंता क्यों है? एक्सपर्ट मानते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट का
कोई बेटा या पोता नहीं है, बल्कि एक नए तरह का एक वायरस ही है। इसकी स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज़्यादा तक म्यूटेशन हो चुके हैं। इसी वेरिएंट की प्रोफाइल पहले से ही मौजूद स्ट्रेन से काफ़ी अलग है। ये कितना खतरनाक और संक्रामक हो सकता है, इस पर अब फिलहाल अध्ययन चल रहा है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना तक ज़्यादा संक्रमण फैला सकता है। तो यही थी पूरी बात कि कैसे नए वेरिएंट का पता लगाया जाता है और ये वेरिएंट हंटिंग क्या होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जिन दोस्तों को पता नहीं उनमें शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए।